हमारे देश में पर्वों और त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा रही। यहाँ मनाए जाने वाले पर्व त्योहार के पीछे कोई न कोई गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, विचारधारा का संबंध जुड़ा होता है। जैन संस्कृति में जितने भी पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लगभग सभी में आत्म साधना, तप एवं जीवन शुद्धि का विशेष महत्व है। जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व महापर्व मात्र जैनों का पर्व नहीं है, यह एक सार्वभौम पर्व है। पूरे विश्व के लिए यह एक उत्तम और उत्कृष्ट पर्व है, क्योंकि इसमें इंसान अपने मन को मांझने का उपक्रम करता है, आत्मा की उपासना करता है, ताकि जीवन के पापों एवं गलतियों को सुधारा जा सके, जीवन को पवित्र, शांतिमय, अहिंसक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जा सके। पर्युषण महापर्व के दौरान जैन कहलाने वाला हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने जीवन को इतना मांझ ले कि वर्ष भर की जो भी ज्ञात अज्ञात त्रुटियां हुई है, आत्मा पर किसी तरह का मैल चढ़ा है, कोई भूल हुई या पाप हुआ है, वह सब धुल जाए। संस्कारों को सुदृढ़ बनाने और अपसंस्कारों को तिलांजलि देने का यह अपूर्व अवसर है। इस पर्व के 8 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयत्न करता है। यह 8 दिन नैतिकता और चरित्र की चौकसी का काम करते हैं और इंसान को प्रेरित करते हैं कि वे भौतिक और सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाएं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। भैया, कहा जाता है कि बच्चे जो है वो परिवार या माता पिता के संस्कारों का आईना होते हैं। जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक समाज सेवी भी है, एक व्यवसायी भी है। समाज सेवा में आपने कोविड में काफ़ी गरीबों की मदद की थी और आज वही संस्कार आपके बेटे में दिखाई दे रहे हैं। कैसा था ये उपवास और क्या होता है इसमें, बताइए। बात संस्कारों की है, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब संस्कार बच्चों में आते हैं। और अभी जो है ये हमारे जैन समाज में 8 दिन का पर्युषण पर्व जो है सबसे बड़े त्योहारों में इसकी गिनती की जाती है। बालक मेरे पुत्र द्वारा जो है अभी ये त्यौहार के पहले से जो है उसने जो है प्रण कर लिया था कि मैं 8 उपवास करूँगा। और विगत 8 दिनों से वो केवल गर्म जल पर जो है उसने पूरे 8 दिन निकाले हैं और आज उसका अंतिम दिन है। 8 उपवास होने के उपलक्ष्य में आज जो है उसका पढ़ना, जो जैन समाज में उपवास तोड़ने की जो विधि होती है वो पढ़ना होती है और आज उसका कार्यक्रम। कितनी उम्र होगी इसमें? बेटे की उम्र जो है वो अभी 13 वर्ष का हुआ है। बहुत छोटी उम्र में कठिन तपस्या की है। ये सब ईश्वरीय शक्ति है, इसमें हमारा और किसी का योगदान नहीं होता है। इतने दिनों तक भूखे रहने की जो शक्ति है जो वो ऊपर वाला ही दे सकता है। नहीं, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर या दूसरी तरह से, या परिवार छोटे छोटे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से आपके परिवार में देखा जाता है, तो आप निश्चित रूप से बताएं कि क्या संस्कार हैं आपके? निश्चित रूप से परिवार के संस्कार, परिवार में जो बच्चा देखता है उसी पद चिन्हों पर वो चलता है, ये निश्चित बात है। और जैन धर्म में वैसे भी जो है सब धर्म के और जीव दया और इसके प्रति जागरूक है, तो उसका असर तो है। ठीक है भैया, हम भी जो बच्चा है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसी तरह धर्म के रास्ते पे चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।